धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे उसे ही इतिहास कहते हैं। पश्चिम भारत महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला का एक शिखर खंड ब्रह्मगिरी, सांस्कृतिक चेतना के प्रसार का केंद्र, जो बाद में राजनीतिक प्रभुता, शासन और षड्यंत्रों का केंद्र बना। पांडव दारा पर्वत पर बना प्राचीन मंदिर मसाई मंदिर, महिषासुर आई जो भोले भाले आस्थावानों के लिए मसाई बन गई। पर्वत की गुफाओं में कभी वैदिक ऋषियों ने, कभी बौद्धों ने और कभी तांत्रिकों ने साधना की, तपस्या की। एकांत साधना स्थल बाद में प्रमुख विख्यात शिक्षा केंद्र बना। मुनिवर पराशर ने वर्षों इस स्थल पर तपस्या की। तपस्या की पावनता ने नागों की इस धरती को पवित्रता प्रदान की। पद्मनाल, पन्नल बना और फिर पन्हाला। यह क्षेत्र सातवाहन, कदम और चालुक्यों की राजनैतिक गतिविधियों का साक्षी रहा था। राष्ट्रकूट राजा जतिक ने इसे राजधानी भी बनाया था, मगर पन्हाला पर्वत पर दुर्ग बनवाने का काम किया था शिलाहार राजाओं ने। चार दरवाजा बहमनी स्थापत्य का एक अनूठा नमूना। सन 1844 ईस्वी में जनरल डेलमोट ने इसे तोप से उड़वा दिया। 127 मीटर की ऊंचाई, मीलों मील देखा जा सकता था, निगरानी रखी जा सकती थी। दुर्ग की प्रभुता का हस्तांतरण कभी भी सैन्य बल द्वारा नहीं बल्कि छल और कपट से ही हुआ। पन्हाला को प्रसिद्धि मिली सन 1050 से 1120 के बीच। शिलाहार राजवंश का स्वर्ण गरुड़ ध्वज लहराया। महामंडलेश्वर राजा भोज द्वितीय ने पन्हाला को अपनी राजधानी बनाया, विद्वानों को प्रश्रय दिया, शिक्षा का केंद्र बनाया। राजा भोज के नाम के साथ ही जुड़ा है जैन मुनि सोमदेव का नाम। पूज्यपाद के संस्कृत व्याकरण का स्पष्टीकरण मैंने भली भांति किया है महाराज। महात्मन, आप जैसे आचार्य से देव भाषा को सहज और लोकप्रिय बनने में सहायता पहुंचेगी, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। अमात्य जी महाराज, मुनिवर के लिए कासेली में भूमि देने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर, आप उचित स्थान का चयन स्वयं कर लें, जहां सुविधा पूर्वक आश्रम और महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया जा सके। धर्म की छत्र छाया आप पर हो राजन, अरहतों का आशीष हो, राज्य समृद्ध हो। प्राचीन शास्त्रों के आधार पर बनाई गई थी पन्हाला दुर्ग की पहली रूपरेखा। गिरी शिखर पर भी खाई बनाई गई। बाहरी और भीतरी दीवार के बीच 120 फीट चौड़ी खाई बनाई गई। हर दीवार की चौड़ाई 20 फीट, हर 100 फीट के ऊपर सुदृढ़ बुर्ज का निर्माण। यहीं से पूरे कोंकण पर नियंत्रण रखा जाता था। इस बाहरी दीवार के दो स्तर थे, ऊपरी स्तर और यह निचला स्तर। ऊपरी स्तर पैदल सिपाहियों के लिए और निचले स्तर पर रहते थे घुड़सवार। 14वीं शताब्दी मराठा पालेगार हराए गए और इसे बहमनी राज्य में मिलाया गया। नया नाम दिया गया नवीपुर। 15वीं शताब्दी वीर पालेगार राजा शंकर रॉय और राजा शिर्के ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उनको दबाने के कई प्रयास हुए। 1469 ईस्वी में महमूद गामा यह एक बार फिर बहमन परचम फहराने में सफल हो गया। तेरहवीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य की रचना का प्रतीक, जब पश्चिम दक्षिण भारत में शिखर की रचना पर विशेष महत्व दिया जाने लगा था। वैष्णव मंदिर यादव वंश की प्रभुता का स्मृति चिन्ह। 1470 ईस्वी से ही
दुर्ग बनवाने का काम शुरू हो गया, मगर इसे पूरा किया आदिलशाही सुल्तानों ने। अंधार बाव, अंधेरी बावड़ी, छुपा हुआ जलकुंड, बाहर से इसे देखकर किसी को पता ही नहीं चलता कि पानी का इतना जल भंडार यहां हो सकता है। जल भंडार के ऊपर खूबसूरत दो मंजिली इमारत। अंधेरी बावड़ी की इस पहली मंजिल पर ये सुरंग नुमा एक गुप्त दरवाजा है छुपकर किले से बाहर जाने के लिए। हिंदू और तुर्की ईरानी स्थापत्य कला का मिलाजुला रूप यहां देखने को हर जगह मिल जाता है। छत में बिठाए हुए नक्काशीदार पत्थर इनकी सौंदर्य प्रियता के साक्षी हैं, और फैले कमानीदार मेहराब यहां की विशिष्टता। बीजापुर सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय नवरस के गीतों का कवि। रव कर्पूर गौरा भान तिलक चंद्रा त्रिनेत्रा जटा मुकुट गंगाधरा। नवरस में कुल 119 गीत हैं, कुछ भक्ति के और कुछ श्रृंगार के। कलाकारों को प्रशय दिया, उनके लिए बनवाया खूबसूरत महल कलावंतिन महल। नवरस के गीतों का दृष्टिकोण कितने ही पृष्ठ समय की उथल पुथल में खो गए, बचे रह गए हैं कुछ टूटे भवन। तीन दरवाजा, कोंकण दरवाजा, बनवाया तो था बहमनी सुल्तानों ने, मगर इसकी मरम्मत करवाई इब्राहिम आदिल शाह ने। विशेषता है नोकदार मेहराब, मोटे खंबे और गुंबद नुमा छत। ईरानी स्थापत्य के सांचे में हर भवन को ढाला गया, मगर फिर भी स्थानीय शिल्पकारों ने कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ ही दी। सन 1672 ईस्वी बीजापुर आंतरिक कलह से ग्रस्त हुआ, शिवाजी ने संधि तोड़ी, अण्णाजी दत्तो और कोंडाजी फरजंद ने केवल 60 सैनिकों को साथ ले नाचने गाने वालों के वेश में पन्हारा के दुर्ग पर अधिकार जमा लिया। शिवाजी राजे, ये पहला मौका है कि किले पर अख्तियार जमाने के लिए एक बूंद भी रक्त नहीं बहा, न हमारा न शत्रुओं का, सभी बंदी बना लिए गए हैं। नजराने के तौर पर आपको पेश करते हैं आदिलशाही किलेदार बाबू शेख। जिंदगी में पहली बार ऐसी गफलत हुई है राजे, यकीन तो यही था कि मराठा सिपाही तलवार ले वार करेंगे, ऐसे मस्खरों की तरह गवैया नचैया बनकर धोखा देंगे उम्मीद नहीं थी। यदि दुश्मन चालाकी से पेश आए और ज्यादा ताकतवर हो तो हमें कई तरह के ताव पेश दिखाने पड़ते हैं। किलेदार, हमारा एक ही मकसद है, हिंदू विश्व राज को फैलाना और उसे मुक्त करना, सह्याद्री को विदेशी ताकत से बचाए रखना। विजय की अद्भुत सफलता पर दुर्ग के अधिष्ठात्री देवता सोमेश्वर की अर्चना की गई। समर्थ गुरु रामदास ने अपने स्पर्श से पवित्र किया था जिस सरोवर को, उसमें शिवाजी महाराज ने 1000 स्वर्ण चंपा के फूल प्रवाहित किए। दुर्ग का एक और विशिष्ट भवन संकुल गंगा, जमुना और सरस्वती।
ये है गंगा भंडार, 10,200 वर्ग फीट और 35 फीट ऊंचा। जमुना 6,080 वर्ग फीट और यह है गंगा भंडार का प्रवेश द्वार, सुदृढ़ सुरक्षित। सुरक्षा के लिए पहाड़ी के हर मोड़ पर सुदृढ़ बुर्ज बनवाए गए थे। हुसाटी बुर्ज, यहां तोप भी रखी जाती थी। पनहाला का काला बुर्ज, सज्जा कोठी, समय के उथल पुथल में खो गया इसका सौंदर्य, बचा रह गया है केवल भग्नावशेष। सन 1490 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान ने बनवाया था इसे और नाम दिया था सदरे महल। अफजल खां को मारने के बाद 1659 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने पनहाला पर अपना अधिकार जमा लिया। बीजापुर की ओर से सिद्दी जौहर सलावत खां ने गढ़ के चारों ओर घेरा डाला। शिवाजी का निकलना मुश्किल हो गया। एक तरतीब निकाली गई। मैं अपने लिए शिवाकाशित की बलि कैसे चढ़ा दूं? उचित नहीं है, किंतु विराट स्वप्न के लिए एक की बलि नहीं, सैकड़ों की बलि भी उचित है। राजे, आज आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदी साम्राज्य के स्वप्न के साकार होने की संभावना है। ऐसा अवसर कहां मिलता है राजे? किसी देवता के लिए कोई मनुष्य होम की अग्नि में अपनी ही हविष डाल दे। पुण्य के इस क्षण विकलित मत होइए राजे, आपकी रक्षा में ही इस सारे प्रदेश के स्वप्न और आस्था की रक्षा है। शत्रु को चकमा देने के उद्देश्य से एक हमशक्ल शिवा काशीत को सामने रखकर शिवाजी महाराज यहां से निकल भागने में सफल हो गए। अमर हो गया यह पथ, राज दिंडी। लेकिन इस अभियान का मूल्य शिवा काशीत और बाजी प्रभु को अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाना पड़ा था। प्रजापुर की संकरी घाटी, पंडारपणी, 12 जुलाई 1660 ईस्वी। पीछा करती दुश्मन की सेना को बाजी प्रभु ने घंटों रोके रखा, दिया प्राणों का बलिदान, प्राप्त हुआ देवत्व। तीसरा दरवाजा, बाघ दरवाजा। यह रास्ता तबक बाग की ओर ले जाता है। छत्रपति 1676 ईस्वी के ऐतिहासिक दक्षिणी अभियान पर गए और राजसभा के षड्यंत्रों से क्षुब्ध और शंकित हो संभाजी राजे 1678 ईस्वी में मुगलों से जा मिले। वापस लौटे 2 साल के बाद। ये उत्सव का क्षण है, तुलजा भवानी और जजोरी खंडोवा के आशीर्वाद का फल है। दुश्मन के पिंजड़े को तोड़कर मेरा शेर वापस लौट आया है। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, केवल आपके चरणों की थूली। नहीं शंभुराजे, 4 साल पहले तुमने आधा राज्य मांगा था, किस राज्य का बंटवारा कर दूं? तुलजा भवानी के आशीर्वाद के 2 टुकड़े कर दूं? नहीं आबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल रूखा सूखा चावल रोटी खाकर आपके चरणों की सेवा करूं, यही मेरी मंशा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जा रहा हूं, तुलजा भवानी से पूछूंगा कि क्या करूं। जब तक मैं रायगढ़ से ना लौटूं, तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। क्या मैं बंदी हूं? जब तक पनहाला के किले में हो, स्वतंत्र हो। बंदी अवस्था में संभाजी राजे ने संस्कृत में खंड काव्य लिखा बुधभूषणम। शंभुकांता निम्न नाभि कृष्ण मध्याम विलस द्रवण वसना। साधु साधु। महाराज महाराज, आप अपना ये काव्य प्रपंच बंद करें, रायगढ़ में राजनीति प्रपंच के भीषण नाटक का सूत्रपात हो गया है। क्या हो गया है? छत्रपति सुकुशल तो हैं? स्वराज्य भूमि विधवा हो गई, अन्नदाता नहीं रहे। कब? आज से 18 पहले।
अंत्येष्टि हो गई? सब कुछ हो गया राजे, राजा राम महाराज का मंचारोहण भी हो गया। विश्वासघात मोरोपंत थे, उनके आने पर ये सब हुआ। आज से 6 साल पहले जब राज्याभिषेक के दिन राजा राम की मां को राजमहिषी का पद दिया गया था, मुझे तभी ज्ञात हो गया था कि मेरे साथ न्याय नहीं होगा। आपके साथ न्याय होगा महाराज, आपके साथ अवश्य न्याय होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी के साथ न्याय अवश्य होगा। महारानी सोयराबाई शतरंज के खेल में अगर महाराष्ट्र के अमात्य वर्ग को अपना मोहरा बनाती हैं, तो हम यहां के सेनापति और सेना को मोहरा बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। सेनापति हंबीर राव हंसाजी मोहिते हमारा साथ देंगे कभी कलश? महारानी सोयराबाई उनकी बहन है। महारानी सोयराबाई के भाई होने के नाते वो हमारा साथ नहीं देंगे महाराज, वो हमारा साथ देंगे सेनापति होने के नाते। हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति का साथ अवश्य देंगे महाराज। मां भवानी। विचित्र विरोधाभास का केंद्र रहा है ये महल, यहीं पर न जाने कितने शासकों ने अपनी प्रभुता का प्रदर्शन किया, विलासता का जीवन जिया, दिग्विजय का स्वप्न देखा, और वहीं कितने ही शासकों ने बंदी का जीवन बिताया, विवशता के आंसू बहाए, घात प्रतिघात की चालें सोची। 27 अप्रैल सन 1680 संभाजी राजे ने पन्हाला में अपना राज्याभिषेक करवाया। संभाजी ने षड्यंत्रों को दबाया, शासन में व्यवस्था लाई, लोक कल्याण और धर्म की ओर विशेष ध्यान दिया। सधोबा दरगाह, पीर सदुद्दीन का मजार, सधोबा तालाब, संभाजी का मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर के सामने 2 दीप आधार। सन 1689 ईस्वी मुगलों ने संभाजी को बंदी बनाया और समाप्त हो गया मराठा इतिहास के एक अभागे पात्र का इतिवृत्त। दुर्भाग्य ने शैशव में ही छीन लिया मुझसे मेरी मां, और आज सभा के षड्यंत्रों ने किशोरावस्था में ही मुझसे मेरे पिता को विलग कर दिया। जनता की पीड़ा से, किसानों और कर्मियों के संत्रास से विगलित हो जब मैंने उनका पक्ष लिया, तो पंत समुदाय मेरा प्राण घातक शत्रु बन बैठा। पंतों के हाथों की कठपुतली नहीं बनने का दंड मिला, निर्मम भयानक मृत्यु। शत्रु को प्राण दंड तो दिया जाता है, पर अपमान की ऐसी पीड़ा के दंड की कल्पना किसी शक्तिशाली धर्मनिष्ठ शत्रु से नहीं की जा सकती। मेरे पिता ने भी अफसल खान को मारा था, पर उन्होंने उसके शव को सम्मान दे कब्र दी, उसकी कब्र के ऊपर खूबसूरत मकबरा बनवा दिया था। इतिहास में किसी पात्र के मूल्यांकन को ले इतना अन्याय क्यों होता है? संभाजी ने मुगलों से मराठा राज्य को बचाए रखा, और इसके बाद हिंदवी स्वराज को बचाए रखने की जिम्मेदारी आई राजा राम की सुयोग्य पत्नी वीरांगना ताराबाई पर। 1700 ईस्वी में विधवा हुई तो नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन करने लगी। दिल्ली बादशाह औरंगजेब हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है, हमें उसे दक्कन में उलझाए रख पूरे हिंदुस्तान को सच्चा हिंदवी स्वराज बनाना होगा। अब हम मुगलिया फौज से सीधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उन पर पीछे से हमला करेंगे, बारीगरी तरीके से छापा मारेंगे, उनके खजाने लूटेंगे, उन्हें इन्हीं सह्याद्री के जंगलों में उलझाए रखेंगे। सह्याद्री की पर्वतमाला ही
मुगलिया सल्तनत की कब्र गाह बनेगी। महारानी साहिब, औरंगजेब की फौज ने वसंतागढ़ ले लिया। धनाजी और शंकराजी ब्रह्मपुरी पर हमला कर होती जा रही है। गढ़ के चारों ओर दुश्मन ने वहां से सारा कीमती माल बाहर निकाल लिया जाए। कोंकण से दुश्मन को पहुंचने वाली रसद रोक दी जाए। सज्जनगढ़ को खाली कर दिया गया। धनाजी, चंबर गोंडा की ओर से आगे बढ़े। भूषणगढ़ घिर गया। यादव मल्हार रहमतपुर की ओर से हमला करें। दुश्मन की फौज खवासपुर पहुंच गई है। त्रिंबक इंगले और कान्होजी इंगले बालाजी इंगले की सहायता के लिए पन्हाला की ओर चल लिया गया है। विट्ठोजी केसरकर पवनगढ़ के किलेदार का पद संभाले। पन्हालागढ़ के चारों ओर बारूद की सुरंग बिछाई जा रही है। पन्हाला को बचाए रखना है। दुश्मन को वहाँ ज्यादा से ज्यादा उलझाए रखो। पन्हाला में और भी मुगलिया फौज आ गई। शिंदे नर्मदा पार कर मालवा और गुजरात पर हमला करें। औरंगजेब खुद पन्हाला चार मराठे दस्ते दक्खन की ओर हमला करें। बरेंदा की ओर, एलीजपुर की ओर। पन्हालागढ़ को सौंप दें तो बादशाह मोहरे देने को तैयार। 50,000 सोने की मोहरे लें। पन्हालागढ़ खाली कर दिया जाए। 50,000 मोहरे आ गई। पन्हालागढ़ सौंप दिया गया। हिंदू राव फोंडागढ़ पर हमला करें। स्वराज का ध्वज खानदेश होता हुआ सूरत तक पहुंच गया है। सह्याद्री के दुर्गों को खाली कर मुगलों से मोहरे लेकर सौंपते जाओ। अपना दबाव मुगलिया सल्तनत पर बनाए रखो। मुगलिया सल्तनत लड़खड़ा रही है। केवल औरंगजेब ही आखिरी घड़ियां नहीं गिन रहा, मुगलिया सल्तनत भी आखिरी घड़ियां गिन रही है। सह्याद्री के जंगलों में उलझ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और गृह षड्यंत्रों ने ताराबाई को इतिहास के एक अंधेरे गह्वर में फेंक दिया और यहीं समाप्त हो गया मराठा साम्राज्य का एक छत्र शासन। मराठा साम्राज्य दो टुकड़ों में बंट गया, कोल्हापुर और सतारा। पन्हाला के खंडहर, खंडहर नहीं, एक विराट स्वप्न, एक महत आकांक्षा के टूटने और बिखरने की दर्द भरी आवाज को अपने अंतःस्थल में छुपाए एक मूक साक्षी है।